नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे पूछूंगा जीके के 15 क्वेश्चन जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक पे मेरी 15 से 18 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप देख पाएंगे सबसे पहले। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय है, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर चढ़ाई की? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। सी ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसे ही ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने भारत पर हमला 16 फरवरी 1739 को किया। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। सी ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वे 4 राज्य कौन से हैं? देखिए, पहला है कर्नाटका, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। सी ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ हुआ। और किस दिन हुआ? तो ये देखिए, लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेघदूत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। सी ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालिदास ने लिखी थी ये पुस्तक मेघदूत। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस प्रकार की सरकार नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। बी ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्राचीन भारत में लोगों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। इस क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 4 भागों में विभाजित किया गया था। वे 4 भाग हैं कौन से? तो ये देखिए, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। इन 4 भागों में विभाजित किया गया था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस गुप्त राजा ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि प्राप्त की? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुमार गुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि प्राप्त की। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कांग्रेस के किस उदारवादी नेता को बॉम्बे का शेर कहा जाता था? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का शेर कहा जाता था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बर्मा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। बर्मा मिस म्यांमार, म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इरावती। इरावती म्यांमार या बर्मा की सबसे लंबी नदी है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है? तो 5 सेकंड का समय आपके पास। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
फुटबॉल में दिया जाता है गोल्डन बॉल अवार्ड। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी पर यह स्थित है कपिल धारा जलप्रपात। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पहला भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1854 में पहला भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास। डी ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट में आप जरूर बता के जाएं आपने 15 में से कितने का सही जवाब दिया और कितने का रॉन्ग। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास है 5 सेकंड। यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। जो सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया, क्वेश्चन में ये भी पूछ ले जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक और एक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में।